हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एम करियर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी का भी वीडियो कॉपी कर लेते हैं, ऑडियो कॉपी कर लेते हैं, तो वो बंदा आपको कॉपी राइट दे सकता है। अगर मान लीजिए आप कोई सा भी वीडियो कॉपी किए हैं और उस वीडियो पर कॉपी राइट दे दिया गया है, तो उस कॉपी राइट को आप कैसे हटा सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि उस कॉपी राइट को आप कैसे हटा सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा वीडियो होता है वो 5 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट का होता है। इसी तरह से मान लीजिए वीडियो होता है, पूरा वीडियो तो जैसे सब लोग कॉपी करते नहीं है, उसमें कुछ पार्ट ही कॉपी किए रहते हैं, तो कैसे हम जान सकते हैं कि कितना पार्ट कॉपी राइट है। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने क्रिएटर स्टूडियो में आ चुका हूँ और यहाँ से मैं वीडियो मैनेजर ओपन कर लिया हूँ। तो फ्रेंड आप भी अपने क्रिएटर स्टूडियो में आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं मेरा इंक्लूड कॉपीराइट यहाँ पे कंटेंट दिखा रहा है, और मैं अभी जल्दी इस वीडियो को अपलोड किया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट लिखा है, तो इस वीडियो पे मेरे कॉपी राइट आ चुका है। तो कॉपी राइट फ्रेंड यहाँ पे जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो तुरंत यहाँ पे शो हो जाता है इंक्लूड कॉपी राइट, और आपके ईमेल पर भी एक मैसेज आ जाता है, तो मैं उसे भी दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं आपके ईमेल पर भी एक मैसेज आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब ए कॉपी राइट क्लेम वॉज क्रिएटेड फॉर कंटेंट इन, फ्रेंड यहाँ पे लिखा है देख सकते हैं हायर टेक्निकल एम कैडियर, और यहाँ पे ए कॉपी राइट ओनर यूजिंग कंटेंट आईडी क्लेम्ड सम मटेरियल इन योर वीडियो। तो इसमें लिखा है फ्रेंड कि कॉपी राइट ओनर दावा कर रहा है कि कुछ मटेरियल उसका मेरे वीडियो में है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज नॉट ए कॉपी राइट स्ट्राइक, यह कॉपी राइट स्ट्राइक नहीं है, द क्लेम डज नॉट अफेक्ट योर अकाउंट, आपके अकाउंट पे कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला, देयर आर आइदर एड्स रनिंग ऑन योर वीडियो विथ रिवेन्यू गोइंग टू कॉपी राइट ओनर, तो जो आपके वीडियो पर जो एड्स चल रहे हैं वो उसका जो रिवेन्यू होगा उससे कॉपीराइट ओनर के पास जाएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले हम जानेंगे कि किस पार्ट पे हमारा कॉपीराइट आया है। तो फ्रेंड इस पे क्लिक कर दे रहा हूँ इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट पर। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं साउंड रिकॉर्डिंग, जो साउंड रिकॉर्डिंग है उसी पे कॉपीराइट आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, 3:08 से 3:28 तक कॉपीराइट कंटेंट यूज किया हूँ। तो जो साउंड रिकॉर्डिंग है 20 सेकंड का, वो 20 सेकंड का यहाँ पे मैं बड़ा कर दे रहा हूँ इसको, 3:08 से 3:28 के बीच में जो भी साउंड रिकॉर्डिंग है वो साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट है। तो फ्रेंड अगर मान लीजिए आपके वीडियोज पर ज्यादा व्यूज आ गए हैं और उस वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहते हैं, तो उस वीडियो से आपको जो कॉपीराइट पार्ट है उस पार्ट को हटाना पड़ेगा, उसको कट कर दीजिए, और आपका जो भी वीडियो बचेगा उस वीडियो पे जो व्यूज है, जो वॉच टाइम है, सब कुछ आपका पड़ा रहेगा और आपका वीडियो भी पड़ा रहेगा, आपका वीडियो डिलीट नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड जो कॉपीराइट कंटेंट जो मेरे वीडियो में है 20 सेकंड का, उस वीडियो को मैं उसको कट कर दे रहा हूँ, ट्रिम कर दे रहा हूँ, तो मुझे डिलीट नहीं करना पड़ेगा अपना वीडियो। तो उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं इन्हेंसमेंट पे जा रहा हूँ, इन्हेंसमेंट पे क्लिक कर दीजिए। इन्हेंसमेंट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो रहा है, और यहाँ पे ब्लर और कस्टम ब्लरिंग, और यहाँ पे ट्रिम, उसके बाद ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है, तो ट्रिम पे क्लिक कर दीजिए। ट्रिम पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से बंद कर दे रहा हूँ। बंद करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वीडियो जो 20 सेकंड का था, अंतिम से 3:28 से 3:08 के बीच में ही मेरा वीडियो जो कॉपीराइट कंटेंट था, तो उसे मैं लास्ट से 20 सेकंड डिलीट कर दे रहा हूँ। तो जो फ्रेंड जैसे मैं आउट्रो लगाया था 20 सेकंड का, उस वीडियो उस आउट्रो में जो साउंड रिकॉर्डिंग है वो कॉपीराइट कंटेंट था, तो उसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। बड़ा करने बाद यहाँ से इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने बाद
आप अगर आगे से चाहते हैं तो आगे से भी डिलीट कर सकते हैं या पीछे से भी काट सकते हैं। तो यहाँ से मैं 20 सेकंड ले ले रहा हूँ, तो इस पर क्लिक करने बाद देख सकते हैं इसे मैं बढ़ा दे रहा हूँ और यहाँ 3 मिनट 8 सेकंड, तो 8:07 कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे डन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। डन पे क्लिक करने बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 3 मिनट 7 सेकंड का मेरा वीडियो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे सेव वाले पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं सेव, सेव पर क्लिक कर दे रहा हूँ। सेव पे क्लिक करने बाद सेव वीडियो इन प्लेस, तो देख सकते हैं वीडियो सेव हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं इंक्लूड कॉपीराइट अभी भी यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एडिट इन प्रोग्रेस, इसे मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, तो अभी ये एडिट हो रहा है, इन प्रोग्रेस में है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो एडिट इन प्रोग्रेस लिखा है उस देखिए यहाँ से हट गया है एडिट इन प्रोग्रेस। 5 मिनट लगभग मैं वेट किया हूँ, उसके बाद यहाँ पे यहाँ से एडिट इन प्रोग्रेस हट चुका है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड ये जो डॉलर का निशान है ये शो होने लगा। यहाँ पे देख सकते हैं यही वाला वीडियो था, CIF नंबर वाला देख सकते हैं, और यहाँ पे 21 व्यू थे, ये 21 व्यू, और यहाँ पे जो डॉलर वाला यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा था, तो यहाँ से हट चुका है कॉपीराइट कंटेंट। तो फ्रेंड इस तरह से आप अपने किसी भी वीडियो पे कॉपीराइट आने के बाद उस कॉपीराइट पार्ट को आप कट करके या ट्रिम करके उस कॉपीराइट को हटा सकते हैं और अपने वीडियो को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।